अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मटन दो प्याज़ा की रेसिपी, जो आप अपने घर पे बनाइए। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। मटन दो प्याज़ा बनाने के लिए यहाँ पे हम मटन ले लेंगे आधा किलो, या आधा किलो मटन है, इसे हम कुकर में डाल देंगे और इसमें हम नमक डाल देंगे और एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें अब एक गिलास पानी डाल देंगे और इसे ढक्कन ढक के 4 से 5 सीटी लगा के ले लेंगे, जिसमें मटन अच्छे से गल जाएगा। अब यहाँ पे हम एक बर्तन ले लेंगे, इसमें 3 से 4 चम्मच तेल डाल देंगे और यहाँ पे खड़े गरम मसाले ले लेंगे और सूखी लाल मिर्ची ले लेंगे 2। अब हम इसे तेल में डाल देंगे और यहाँ पे 4 से 5 बड़ी प्याज को कट करके ले लेंगे मीडियम साइज़ में और ये भी इसमें डाल देंगे और हल्का सी लाल हुए तक का हम इसे फ्राई करके लेंगे। ये देखिए, प्याज जो है हल्की लाल हो चुकी है। अब इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और हरी मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे 2 चम्मच। अब इसे अच्छे से भून के ले लेंगे। अब इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से भून के ले लेंगे। ये देखिए, मसाला जो है अच्छे से भून गया है। अब इसमें ये जो मटन हमने गलाए थे ये डाल देंगे। अब इसे भी इसमें अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। अब इसमें जो है 2 चम्मच दही डाल देंगे और नमक डाल देंगे। अब इसे भी अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। अब इसमें जो है मटन का जो गला हुआ पानी है थोड़ा सी बचा हुआ, ये भी इसमें डाल देंगे और इसी में हम ये मटन को जो है पकने के लिए दे देंगे। इसके ऊपर हम ढक्कन ढक देंगे, 5 से 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे इसे पका के ले लेंगे। यहाँ पे जो है मटन दो प्याज़ा रेडी है, ये बहुत ही अच्छे से पक गया है। अब इसके ऊपर हम हरी धनिया डाल देंगे ऊपर से और इसे अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। आप इसे रोटी के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए, बहुत ही मज़ेदार लगता है। आप ये रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।